हमारे साथ मंगेश यादव घर पर पहुँचे, कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। चलिए जी, आप यहाँ पे आए हैं तो आपको क्या लगा, मतलब पूरा मामला क्या पता चला? सर, यहाँ पर तो जितने लोग आए हैं सब बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत व्यथित हैं। हमारे समाज का एक बहुत निरीह गरीब परिवार का और स्वयं गरीब, जो अपनी शिक्षा नहीं ले पाया गरीबी के कारण, उस बच्चे की हत्या साजिशन पुलिस जो है डकैती के इनकाउंटर, डकैती के मामले में कर रही है। जिस डकैती में पुलिस ने, जिस भरत ज्वेलर सुल्तानपुर के यहाँ डकैती का प्रकरण आता है, उसका मास्टरमाइंड अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट बिपिन सिंह पकड़ा जाता है, वो सरेंडर करता है। लेकिन उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें पुलिस ने जारी करके ये दिखाया है कि इसमें मंगेश है। पुलिस जो है यह जान लीजिए कि वह बिपिन सिंह की गैंग है, अमेठी की गैंग है, जिसके ऊपर 37 से ज़्यादा डकैती के मुकदमे नियर बाई जिलों में डकैती करने के हैं। वो सुल्तानपुर के भी हो सकते हैं, अमेठी के हो सकते हैं, रायबरेली के हो सकते हैं, लखनऊ तक के भी हो सकते हैं। बिपिन सिंह के गैंग में वो 5 व्यक्ति जो सीसीटीवी फुटेज ज्वेलर्स की दुकान के मिले हैं, उसमें 4 आदमियों का नाम उन्होंने गलती डिक्लेयर कर दिया, 3 को हाफ काउंटर दिखाया, जितेंद्र सिंह का, सूरज सिंह का, अमित सिंह का, कि उनको मतलब पैरों में गोली मार दी गई और पकड़ा गया, भाग रहे थे। बिपिन सिंह इसी डर से कि कहीं मेरा काउंटर ना हो जाए, वो जाकर के पुलिस में सरेंडर कर दिया साजिशन पुलिस की मदद से। और 5वां व्यक्ति जो उसमें है, उस 5वें व्यक्ति का कोरम हमारे बेटे से पूरा कर लिया उन लोगों ने, हमारे बच्चे से पूरा कर लिया, इसलिए उस 5वें व्यक्ति का नाम वो नहीं बता रहे हैं। जबकि निश्चित है कि अगर वो बिपिन सिंह गैंग का आदमी है तो निश्चित है वह भी ठाकुर ही होगा, वह भी छत्री होगा, वह भी योगी के परिवार का होगा, और वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और उनका नियर एंड डियर होगा। उसका नाम बचाने के लिए हमारे बच्चे का नाम उसमें डाल करके हमारे बच्चे की सीधे सीधे हत्या कर देते हैं, घर से उठा के लेके जाते हैं। सर, 2 बजे रात घर से, उसकी बहन और उसकी माँ घर पर है और कोई है नहीं, दोनों जन के बीच में उठा के ले जाते हैं। और पुलिस अपनी रिवॉल्वर लगाती है, बंदूक लगाती है कि अगर हल्ला करोगे, किसी को बताओगे तो सुबह उसको मार देंगे, नहीं तो 10 बजे तक हम तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए किसी को बोलना मत। और उनके आदमी अगल बगल इधर घूमते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। और उस लड़के को 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 3 और 4 में 50,000 से 1,00,000, 2 दिन में, आप ही बताइए, 3 और 4 को तो कोई घटना नहीं हुई। फिर जो है मंगेश यादव को अरेस्ट करने के लिए या मंगेश यादव के ऊपर 50,000 से 1,00,000 का इनाम कैसे डिक्लेयर होगा? कोई घटना होती तब नहीं इनाम डिक्लेयर होता है कि ये घटना हो गई, उसमें जांच में ये वांछित है, नहीं मिल रहा है, इसको पकड़ने के लिए इतना इनाम दिया जाता है। घटना भी नहीं दिख रहे हैं, सीधा खाली उनके कागजों में उनका इनाम डिक्लेयर हो रहा है, और सुबह होते होते 5 बजे मेरी बेटी की हत्या कर देते हैं। बहुत बड़ा अन्याय है सर, सीधी सीधी हत्या है ये, पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर की है। आमतौर पर ये होता है कि पुलिस द्वारा पैर के नीचे गोलीबारी आती है, इसमें मंगेश को कितनी? अभी तक न्याय यही कहता है कि भागते हुए अपराधी को कमर के नीचे गोली मार के घायल करके पकड़ो, जिससे जिस अपराध की आप जो है तजवीजानी कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, उसमें आपको उचित साक्ष्य मिल जाए। वह निहत्था व्यक्ति आपकी कस्टडी में, उसको तो इन्होंने मार डाला सर, हमने तो उसकी डेड बॉडी देखी है ना। इन्होंने उसको मारने के बाद उसके शरीर के छत विच्छत हुए अंश को गोली मारकर खाली दिखाए हैं, और बताइए गोली छातियों में लग रही है, सिर में लग रही है, ऐसा कौन सा निशानची पुलिस विभाग में हो गया है? कितनी गोलियां मारी गई थी? 4 से 5 हमको दिख रही थी, हमको जो वहां पे उसकी बॉडी इतनी ज्यादा विदीर्ण हो चुकी थी, हम लोग उसको बहुत देर तक देख नहीं सके। लेकिन जहाँ तक गोलियों के निशान के जो भारी भारी घाव, जहाँ से ब्लड शेड हो रहा था, जहाँ से खून का बहाव दिखा, उससे लगा कि 4 से 5 गोलियां लगी हैं बच्चे को। अभी तो पुलिस पोस्टमार्टम अपनी रिपोर्ट दे नहीं रही है, अपना क्या लिपापोती कर रहे हो तो खुदा जाने, भगवान जानता है ये कि वो अभी क्या कर रहे हैं, वो चीज़ सामने नहीं ला रहे हैं, नहीं तो हमको आज तक उसकी रिपोर्ट दे दी होते ना। लेकिन एसटीएफ का कहना है कि मंगेश यादव द्वारा फायरिंग की गई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी है। सर जी, पुलिस के पास पुलिस विभाग है, क्षेत्रीय पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, SOG है, STF हमारे बेटे के लिए आ रही है, घटना से 80 किलोमीटर दूर, और मेरा बेटा चड्ढे और बनियान में घर में सोया हुआ है, फटी हुई गंजी और फटी हुई बनियान में मेरा बेटा सोया है, आप उसके लिए STF डिक्लेयर कर रहे हैं? यह सब बनावटी है, फरेब है, फरेब फरेब। भगवान की कहर से डरें, गरीबों की आह से डरें।
मंगेश को न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? सर अब मंगेश को तो हम वापस नहीं ला सकते सर। न्याय दिलाने के लिए हम पूरी तरह से संगठित होकर के व्यवस्थित होकर के जितने भी न्याय के रास्ते मिलेंगे हमको लोकल थाने में उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में मानवाधिकार में अपनी पूरी बात रखेंगे। न्याय की पूरी आशा है, न्याय मिलेगा हमारे बेटे को, हमारे बेटे के हत्यारों को सजा मिलेगी, यह मेरी उम्मीद है, यह मेरा भरोसा है।